हेलो दोस्तों, आई एम बैक। दूध ले जाके और आज मैं रनिंग करने नहीं गई क्योंकि ऐसे ही मन नहीं किया। सोच चलिए आज हमें कंटिन्यू रखना है कल की अचीवमेंट्स। हेलो मदर, वेयर आर यू? तो दोस्तों आज बनी है हिमाचली सिड्डे। ये देखिए इसके अंदर ये ना स्टफ्ड होती है, इसके अंदर कोई भी कुछ भी चीज का स्टफ डाल सकते हैं आप। फिर हम इसको घी के साथ खाते हैं। तो देखिए ये मैंने ले लिया है, ये इसके अंदर ना मम्मा ने प्याज नमक कुछ ऐसी ऐसी स्टफिंग की। ये काला, ये हमारा वाला नमक होता है, तिल के साथ तिल वाला नमक होता है, उसकी स्टफिंग की। और ये घी के साथ पूरा निचोड़ दो और पूरा ऐसे खाओ। माय फेवरेट डिश ऑफ पहाड़। हेलो एवरीवन, आई एम बैक टू माय टेबल। बट आज का दिन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को अपने बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। कुछ लोग काफी टाइम से मुझसे पूछ रहे थे मेरा घर कहाँ है, स्पेसिफिकली मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ और मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैं कमेंट में इसीलिए रिप्लाई नहीं कर रही थी क्योंकि मैं वहाँ पर रिप्लाई करती थी तो मैं एक स्पेशल वीडियो कैसे बनाती यार, आप तो मेरा कंटेंट लेके जा रहे थे। ओके लीव इट। सो फर्स्ट थिंग फ्रॉम वेयर आई एम, सो मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, हिमाचल प्रदेश की मंडी डिस्ट्रिक्ट से, जहाँ पे तहसील नाम की, भाई करसोग नाम की एक तहसील है, वहाँ से हूँ। और द थिंग इज कि मैं मंडी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ, बट मैं ना वो बॉर्डर पे रहने वाले लोगों में से हूँ जिनका कल्चर जो है दूसरे बॉर्डर के उस तरफ वाली जगह से ज़्यादा बिलोंग करता है। सो एक्चुअली मेरा कल्चर जो है वो शिमला और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से मैच करता है। मंडी इज़ लाइक जस्ट डिस्ट्रिक्ट फॉर मी, आई डोंट एसोशिएट माई सेल्फ विद मंडी। ओके सो क्योंकि और जहाँ पर मैं रहती हूँ ये ना धौलाधर रेंज है, जिस जगह पर मैं रहती हूँ धौलाधर रेंज है। मेरे सामने की तरफ शिमला है, पीछे की तरफ कुल्लू है। और या दैट्स इट। एंड अबाउट माई फैमिली, मेरी फैमिली में चार मेंबर हैं, एक मेरी मम्मा और तीन हम भाई बहन हैं। मेरे भाई बहन दोनों मुझसे छोटे हैं, मैं ही बड़ी हूँ, दोनों का कॉलेज चल रहा है। और मम्मा भी मेरे पास में ही जो स्कूल है वहाँ पे पीएन की जॉब करते हैं, ये सुबह 8 बजे जाते हैं, 8 to 5 वाली जॉब है। सो अदर थिंग इज येस माई एजुकेशनल बैकग्राउंड। सो मैंने अपनी स्कूलिंग तो यहीं से की थी, बट देन आई मूव टू शिमला। सो मैंने अपनी ग्रेजुएशन RKMV शिमला से की है और 2020 में कर ली है। उसके बाद मेरा प्लान था कि मुझे कोचिंग करने UPSC की कोचिंग लेनी थी, क्योंकि मैंने पहले से ही सोच रखा था कि मुझे UPSC करना है, तो मुझे दिल्ली जाना था। बट उस टाइम कोरोना लग गया तो लॉकडाउन में एक साल वहाँ चला गया। उसके बाद मैं सितंबर 2021 में दिल्ली गई, वहाँ से मैंने नेक्स्ट IAS से, इफ़ यू हैव हर्ड अबाउट दैट इंस्टीट्यूशन, वहाँ नेक्स्ट IAS एक इंस्टीट्यूशन है, वहाँ से मैंने अपनी कोचिंग फर्स्ट ली। उसके बाद मैं एक साल और रही और जस्ट रिसेंटली 3-4 महीने IAS अगस्त, अभी अगस्त 2023 में मैं वापस शिफ्ट हुई हूँ घर। रीज़न बींग इज़ कि सबसे पहली चीज़ तो जितना सीखना था कोचिंग एंड ऑल, जितना आपको नॉलेज लेनी थी सब्जेक्ट के बारे में, एग्ज़ाम के बारे में, वो तो ले ली। सो अब बारी अपनी मेहनत की, तो वो तो मैं घर से ही करूँगी। और दूसरी चीज़ यार बहुत कॉस्टली है वहाँ पे, कसम से नहीं रह सकते। मिडिल क्लास फैमिली तो हम सब लोग, जिन फैमिली से बिलोंग करती है, वो हमें 2 साल दिल्ली बिठा दे बहुत बड़ी बात है। तो वो भी एक रीज़न था, तो आई थॉट कि घर ही चलते हैं, अच्छा है, घर पे सब खाना वाना सब मिलता रहेगा और इतनी कोई मेंटल आपको स्ट्रेस भी नहीं रहता, क्योंकि फैमिली ऑब्वियसली घर है, कोई ना भी हो तो भी आपको फील होता है कि हाँ घर में है। ओके सो दिस वॉज इट अबाउट मी। और अगर आपको और भी कुछ, येस वन थिंग वन पर्सन वॉज अबाउट माई ऑप्शनल। सो यार बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, पहले मैंने ना ये फिलोसफी ऑप्शनल लिया था। वैसे मैंने पॉलिटिकल साइंस से अपनी ग्रेजुएशन की है, पर मैंने फिलोसफी लिया था क्योंकि मुझे थोड़ा लगा कि मुझे इंटरेस्ट है उसमें। मैंने कोचिंग भी ले ली बट अब मुझे बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं कर रहा उसे। सो अभी मैंने रिसेंटली एंथ्रो को चेंज किया है, सो आई एम डूइंग एंथ्रो नाउ। And yes, this was it. Now we can start our day. So, bye-bye. और आज का भी हमारा टारगेट है कि जो कल मैंने 10 घंटे पढ़ाई की थी, आज मुझे उसे मेंटेन रखना ही है। बाय बाय।
सो आई गेस आई फॉरगॉट टू मेंशन बिफोर कि मैं दिल्ली में कहाँ रहती थी. सो आई यूज टू स्टे इन ओल्ड राजेंद्र नगर बिकॉज जो नेक्स्ट आई एस इंस्टीट्यूशन है वो भी ओल्ड राजेंद्र नगर में है विच इज़ अपोजिट टू करोल बाग. और वहाँ पे ना एक और इंस्टीट्यूशन भी एक और एरिया भी है एस्पिरेंट का दैट इज़ मुखर्जी नगर. बट मुखर्जी नगर में मोस्टली जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं वही इंस्टीट्यूशन वहाँ पे. और अगर आपको इंग्लिश मीडियम के लिए जाना है सो ऑल द इंस्टीट्यूशन आर इन ओल्ड राजेंद्र नगर. सो आई यूज्ड टू स्टे देयर. सो यार मैंने ना ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स नहीं की थी बट अभी मैंने फॉर्म भरा है इस साल और मैं प्राइवेटली कर रही हूँ. वही एग्जाम मेरे दो तीन दिन में आने वाले हैं. सो आज मैंने पूरे दिन उसी की पढ़ाई की बिकॉज भाई अब तो करना ही पड़ेगा ना. सो 12:30 हो गए हैं. ऐसा नहीं है मैं 12:30 बजे तक पढ़ रही थी. एक्चुअल मैं शुरू में मैंने मुझे कुछ काम आ गया था तो मैं वो भी कर रही थी. सो अभी मैंने 3 घंटे पढ़ा है और अभी मुझे पता चला कि मेरे बुआ जी आए हैं. सो लेट मी शो यू. ये मेरे छोटे बुआ जी और ये मेरे दूसरे बुआ जी. ये आए हमारे घर आज मेहमान. मामा आप भी को लो. हेलो. खाना तो खा ली वो नहीं दिखाई नहीं खाते. ये लोग ना वापस जा रहे हैं क्योंकि बहुत जगह दूसरी जगह भी बैठना है तो बस थोड़ी देर बैठने ही आए थे. बाय बाय. आपको ही कर लूंगा अब शूट. आज तो धूप में बैठे नहीं यार. 2 बज गए हैं. जाना पड़ेगा पढ़ने फिर से. अभी सिर्फ 3 घंटे पढ़ाई की है. अब मम्मा और मेरे को ही देख. सो मैं आगे का वीडियो शूट नहीं कर पाई बिकॉज मैं पूरा दिन आज एग्जाम के चक्कर में ही बहुत बिजी हो गई थी. अपनी फ्रेंड से भी बातचीत चल रही थी कि क्या पढ़ना है क्या नहीं करना है कैसे क्या करना है एडमिट कार्ड एंड ऑल. और ऐसा नहीं है पढ़ा नहीं. पढ़ा तो बहुत क्योंकि एग्जाम के टाइम तो भाई आपको डर में जो पढ़ा जाता है ना उसमें तो रेस्ट करने की भी जरूरत नहीं होती. बट या रेगुलर शेड्यूल नहीं फॉलो कर पाई. सो आई एम सॉरी एंड बाय बाय.